नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि अबे चुप्पे, अरे ब्रेकिंग न्यूज की औलाद, ब्रेकिंग न्यूज की स्पेलिंग आती तेरे को? ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, पहली बार किसी आतंकवादी ने कैमरे के सामने आकर आतंकवादियों के बारे में बताने की हिम्मत की है। आइए बात करते हैं आतंकवादी से। आतंकवादी आ जाओ। अबे दीपक, ये भाई साहब है कि बहन जी? अबे तू न्यूज रीडर है, वेल्डर? अरे इनको ये कपड़े इसलिए दिए ताकि इनकी पहचान छुपी रहे। ओ अच्छा। हाँ जी आतंकवादी जी, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? पिछले 10 साल से मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। ये लोग जल्लाद हैं, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। अरे इन लोगों ने एक प्लान बनाया और मैंने इनका साथ देने से मना कर दिया। फिर इन लोगों ने मुझे इतना पीटा, इतनी गालियां देखी। ये बताओ प्लान क्या था? पिकनिक पे जाकर अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाने का, इसीलिए मैंने मना कर दिया। अबे इसमें आतंकवादी गतिविधि कहाँ है? कमाल करते हैं आप। अरे उनके सारे बर्तन तो हमें ही धोने पड़ते थे ना, और उतने सारे रिश्तेदारों के बर्तन धुलवाना, ये कोई आतंकवादी गतिविधि से कम थोड़ा ना है। अच्छा इन आतंकवादियों का नाम क्या है? एक है मेरी सास सावित्री देवी, दूसरी मेरी बीवी मीना मादान। सबसे बड़े आतंकवादी है ये दोनों। बेचारा, देखा दोस्तों ये शख्स कितने बड़े बड़े आतंकवादियों के चंगुल में फंसा हुआ। भगवान ऐसे आतंकवादी किसी को ना दे। सच। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, एक हैरत अंगेज घटना घटित हुई है। आपका समय खराब ना करते हुए आपको हम सीधा लिए चलते हैं घटनास्थल, जहां पर हमारे दो कौड़ी के संवाददाता दीपक मौजूद है। चलो मैं दो कौड़ी का हूँ, पर बेटा तुझे तो कोई फ्री में भी नहीं लेता। न्यूज पढ़, न्यूज पढ़, न्यूज पढ़। अबे बता रहा हूँ, मेरे को सिखा मत। चल चल। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, अभी भी मेरे हाथ एक ऐसी खबर लगी है जिसे सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर लाशें, एक लाश नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 10, जी नहीं बल्कि 20। अबे तू ही बोल ले। अबे न्यूज का काम मेरा, मुझे बोलने दे। यहाँ कम से कम पड़ी हुई है 200 लाशें। क्या बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से अंदर कितनी लाशें? भाई साहब मेरे हिसाब से 200 से ज्यादा लाशें होनी चाहिए। सुना आपने, ये शख्स भी कह रहा है कि अंदर कम से कम 200 से ज्यादा लाशें होंगी। इतनी हैरत अंगेज खबर सिर्फ CNN पर, सी नॉनसेंस न्यूज पर। भाई साहब वो लाशें आप हमें दिखा सकते हैं? भाई साहब दिखा तो सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेला ये काम कैसे करूंगा, कोई क्रेन व्रेन मंगवाइए। देखा आपने, ये शख्स कह रहा है कि इसके लिए क्रेन चाहिए। क्रेन? क्रेन क्यों चाहिए यार? भाई साहब इतनी सारी कब्रों को खोद के लाशें निकालने के लिए टाइम तो लगेगा ना, उसके लिए क्रेन तो चाहिए ना। अब मैं अकेला आदमी कितनी मेहनत करूंगा ये बताओ। बेटा ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये तो मरी हुई न्यूज निकली। CNN के लिए कवरमैन, मेरा मतलब है कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं दीपक रंगरसिया। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक शख्स ने दावा किया है कि वो चलती हुई ट्रेन को अपने हाथों से रोक लेता है। आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं दीपक के पास। ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूं जिसका दावा है कि वो चलती ट्रेन को अपने हाथों से रोक सकता है। आइए करते हैं इसी से कुछ बातचीत। ऐसा कब से कर रहे हैं? जी मैं तो बहुत सालों से ये कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि मुझे जब भी रेलवे लाइन क्रॉस करनी होती है और सामने से ट्रेन आ रही होती है, तो मैं अपने हाथों से ट्रेन को रोक के रेलवे लाइन क्रॉस करता हूँ। ऐसा करते हुए आपको कभी चोट नहीं लगी? नहीं, बल्कि ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ। दोस्तों अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे तमाम दर्शकों को अपने हाथों से ट्रेन को रोक कर दिखाएं। सर दिखाइए अपना कर्तव्य। जय बजरंगबली। ए भाई ट्रेन रुक गई। देख
देखा दोस्तों आपने, इस शख्स ने कितनी आसानी से ट्रेन को रोक दिया, इसे कहते हैं अजूबा। और हाँ, आपसे दरख्वास्त, इस खतरनाक स्टंट को आप अपने घर पे ना करें, वरना ट्रेन आपके घर पे भी खड़ी हो सकती है। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए चलते हैं सीधा दीपक के पास। दीपक, दीपक, ए दीपक। दोस्तों आज मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज नहीं, शॉकिंग न्यूज है, जिसे देखकर आप शकीरा की तरह हिलने डुलने लगेंगे। हैं? वहां के डांस पार्टी होने वाली है। अरे वाह, मेरे लिए शकीरा का गाना दिखाओ जरा। ए चुप्पे। दर्शकों, अभी अभी गरम गरम खबर मिली है कि यहाँ पर अर्थक्वेक होने वाला है, जिसे महान तांत्रिक हुड़गम्बानाथ खुद यहाँ आकर अंजाम देंगे। अबे क्या पंगा ले रहा है? आइए बाबा जी। अर्थक्वेक करवाओ नमा। बाबा जी, तो आप ये दावा करते हैं कि आप अर्थक्वेक कराएंगे? अवश्य अवश्य। तो देखा दर्शकों आपने, मैं कैसे जान की बाजी लगाकर ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूँ। बाबा जी शुरू हो जाइए। अर्थक्वेक करवाओ नमा। ये क्या है? ये मेरी बत्तख है और इसी का नाम है अर्थ 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 अर्थ। व्हाट ए क्विक। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं दी क्विक रंगरसिया। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पता चला है कि अभी भी वहां भयंकर तूफान आया हुआ है। उसी आंधी तूफान से इस वक्त लड़ रहा है हमारा रिपोर्टर दीपक। आइए दीपक से पूछते हैं कि टाइफून आया कब। दीपक, दीपक, ए दीपक, अरे कब आया ये टाइफून? अरे यार मुझे कहां आया फोन? अरे फोन नहीं, टाइफून। अरे मुझे कोई फोन नहीं आया। अररे दीपक बहरे हो गए हो क्या? यार मैं बहरे कहां रहा हूं, मैं तो अपनी जगह खड़ा हूं। हां कुछ लोग उड़ जरूर रहे हैं। अरे यार वो छोड़ो, ये बताओ ये टाइफून आया कब? अरे यार क्यों इज्जत का कचरा कर रहे हो मेरी? तुम्हें तो पता है ना मेरे मोबाइल में ना इनकमिंग एंड आउट गोइंग, तो कैसे आएगा फोन? अरे पागल, टाइफून टाइफून। हाँ टाइफून, तो टाइफून कहो, जबरदस्ती फोन फोन कर रहे हो। टाइफून, हाँ टाइफून आया है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ, मैं इस वक्त टाइफून में फंसा हुआ हूँ। यहाँ का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, लोग कपड़े हवा में उड़ रहे हैं, टाइफून ने हजारों गंगों की पोल खोल दी है, यहाँ उनके विग विग हवा में उड़ रहे हैं, इसके कपड़े उसके घर में चले गए। मिसेस शर्मा ने जो पुड़िया बनाई थी गुप्ता जी के घर चले गई, और मिसेस गुप्ता ने जो चप्पल फेंक के मारी थी गुप्ता को, वो शर्मा जी के लग गई है। यहाँ पर लोगों में काफी रोष व्याप्त है, लोग काफी टेंशन में है, घबराहट में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या करें और क्या चाहते हैं। भाई साहब ये पेंट आपकी है? मेरी पेंट आपके पास कैसे? ये पेंट मेरे बेडरूम में क्या कर रही है? अरे दीपक 1 2 3 भाग भाग। नहीं।